सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। देखो यार, आई नो कि ये वीडियो थोड़ा डिले है, पर यार हालात को समझो। ऊपर से लेटेस्ट चैप्टर में काइडो का भी नया पावर देखने को मिला है, जिस पर मैं संडे को डिटेल में वीडियो बना के बात करूंगा। आज हम बात करेंगे लूफी के बारे में, जानेंगे कि इसका डेविल फ्रूट जो है हितो हितो नोमी मॉडल निका आखिर किस चीज से इंस्पायर है। अब देखो यार, सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो ये बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से काइडो का डेविल फ्रूट एक चाइनीज माइथोलॉजी से इंस्पायर है, या फिर चाइनीज माइथोलॉजी के एक स्टोरी से लिया गया है, उसी तरह से लूफी का डेविल फ्रूट भी तो किसी न किसी माइथोलॉजी या फिर किसी न किसी स्टोरी से तो लिया गया होगा ही होगा। देखो, इसको लेके बहुत सारे थ्योरीज बन चुके हैं, सन वोकोंग या फिर मॉडल हनुमान वाला, और वैसे ही ये वाला वीडियो भी है, पर इसमें मैं अलग गॉड के बारे में बात करूंगा। अब हाँ, ये थ्योरी पूरी तरह से मेरी खुद की ओरिजिनल थ्योरी नहीं है, ये मुझे रेडिट पे मिला, पर मैंने सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट लिया। इसमें जितने भी पॉइंट्स मैं दूंगा उसको प्रूव करने के लिए, वो मेरे खुद के हैं। हाँ तो चलो आओ मेन मुद्दे पे आते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है लूफी का नेशनैलिटी क्या है? देखो, बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगा, तो चिंता मत करो। पहले मैं पूरे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के जितने भी मेंबर्स हैं उनके नेशनैलिटी को बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं नामी। तो नामी स्वीडिश है, रॉबिन रशियन है, सांजी फ्रेंच है, उसोप अफ्रीकन है, चॉपर कैनेडियन है, ब्रुक ऑस्ट्रियन है, फ्रैंकी अमेरिकन है, जिनबे इंडियन है। हाँ भाई, ये बंदा इंडियन है। जोरो जापानीज है और लूफी ब्राजीलियन है। अब मेरे इस बात को जरा तुमने याद रखना, बिकॉज ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस थ्योरी पर। जिस तरह से सन गॉड निका है, इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो ये तुमको कोई टारजन पिक्चर का मोगली टाइप का भी नजर आ सकता है, पर बहुत सारे लोगों को नहीं भी आ सकता है, पर ये जिस हिसाब से हमें दिखाया गया है ये जंगली टाइप ही नजर आता है। और तुमको पता है ब्राजीलियन माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है कुरुपीरा। अब मैं इसका नाम अगर सही से नहीं ले रहा तो माफ कर देना, पर अगर तुम इनको ध्यान से देखो ना तुमको सेम टू सेम ही लगेगा। देखने में ये दोनों सेम है भाई, बाल से लेके सब कुछ सेम है। साथ ही साथ अगर तुमको याद है जब हमें हुजू को दिखाया गया था, हुजू वर्सेस जिनबे का फाइट चल रहा था, वहां पर जब हमें सन गॉड निका को दिखाया जाता है, मतलब उसका थोड़ा रेफरेंस दिया जाता है, तो वहां पर सन गॉड निका वेपन पकड़े हुए दिखाया गया था। तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में हमें लूफी वेपन का यूज करता हुआ भी दिखे। पर तुमको एक बात मालूम है, जो ब्राजीलियन गॉड है कुरुपीरा, वो एक वेपन यूजर था, और जिस हिसाब से जिस तरह के वेपन्स जो है सन गॉड निका को ऐसे दिखाए गए हैं ना, वो भी उसी तरह से वेपन यूज करता था। प्लस ये गॉड ब्राजील के जंगलों में रहता था, साथ ही साथ जो लोग जंगल के लोगों को परेशान करते थे, जो लोग जंगल को चोट पहुंचाते थे, उन लोगों को ये काफी ज्यादा नफरत करता था, उन सबको वहां से वो भगा देता था, उन सबको ये सजा देता था, और जंगल के जितने भी जीव जंतु थे उनके चेहरे में मुस्कुराहट लाता था। प्लस अगर तुम सन गॉड निका के बारे में जाओ तो हुजू ने क्या बताया था तुमको याद है? पुराने जमाने में स्लेव्स का ये मानना था कि एक वॉरियर आएगा जो उनके चेहरे में खुशियाँ लाएगा, जो उन्हें आज़ादी दिलाएगा, वो उसे सन गॉड निका मानते थे। अब अगर तुम इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने में इच्छुक हो तो मैं सीधे डिस्क्रिप्शन में यार विकिपीडिया का ही लिंक दे दूंगा इसका, तो तुम लोग जाकर के पढ़ सकते हो कुरुपीरा के नाम पे। पर अगर मैं बात करने जाऊं इस गॉड और सन गॉड निका को लेके, तो भाई ये लोग डिट्टो एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलते हैं। अब मैं आना चाहूंगा आज के जरा लेटेस्ट चैप्टर के ऊपर, बिकॉज लेटेस्ट चैप्टर में जो हुआ है, तो वहां पर लूफी का जो अटैक का नाम था गोमु गोमु नो बजरंग गन, जिसको पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये इंडियन माइथोलॉजी से लिया गया है, हनुमान वाला थ्योरी सही होगा, ये होगा वो होगा। मैं किसी के थ्योरी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज ओडा लास्ट में सभी के थ्योरीज की मार लेता है, पर जिस हिसाब से ओडा ने बजरंग गन दिखाया, मैं खुद शॉक था, बहुत ज्यादा हैरान था कि ओडा इंडियन माइथोलॉजीज को भी दिखा रहा है, और मुझे खुद दिल से खुशी हुआ। अब देखो, जब ऑफिशियल ट्रांसलेशन आता है तो अगर चेंज हो जाता तो हैरान मत होना, पर फिलहाल के लिए मान लेते बजरंग गन वो ऑफिशियल ट्रांसलेशन है। लेकिन अगर हम बस उस एक अटैक के बेसिस पे अगर हम कहें ना इसका डेविल फ्रूट हनुमान से इंस्पायर है, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता, बिकॉज हम लूफी को बहुत पहले भी देख चुके हैं, वो गोमु गोमु नो करता रहता है, बहुत सारे अटैक्स भी करता है, जिसको देख के कभी कभी यार वो सन वुकोंग की भी याद दिलाता है, जो कि सबसे बढ़िया इसका तगड़ा वाला एग्जांपल अगर तुम ढूंढने जाओ, गोकू दिखेगा ड्रैगन बॉल से, और हाँ एक और कैरेक्टर तुमको दिखेगा
गॉड ऑफ हाई स्कूल से। पर अगर मैं बात करूं भाई लूफी को, लूफी का डेविल फ्रूट हितो हितो नोमी मॉडल नीका, भाई ये इनसे ना बहुत ज्यादा अलग है यार। कि हम लोग बस एक दो चीजों को लेकर के हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये इससे उठाया गया या फिर ये इससे उठाया गया। तो हो सकता है ओडा इन सब माइथोलॉजी से उठा करके उन सबको मिला करके एक फिक्शनल गॉड को बनाया, जिसे सन गॉड उसने उसके वन पीस के वर्ल्ड में नाम दिया है। लेकिन अगर मैं बात करने जाऊँ कुरुपीरा की, तो भाई लूफी का कैरेक्टर जो है ना, प्लस लूफी का डेविल फ्रूट अवेकनिंग, चाहे वो शकल की बात करूँ, चाहे वो एक दूसरे से मिलना हो, भाई काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। अब पता नहीं यार ये चीज आगे जाके कितना ज्यादा सच होगा या फिर कितना ज्यादा गलत होगा। लास्ट में ओडा सभी के थ्योरीज की मार लेता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, और इस वजह से फिलहाल ये भी एक थ्योरी है और थ्योरी को थ्योरी की तरह ही लेना। प्लस तुम लोग का क्या मानना है इसको लेकर के जरा अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। और हाँ यार, बहुत दिन बाद हम लोग थोड़ा आ रहे हैं, समझो थोड़ा, लेकिन ट्राई करूंगा बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की। तुम लोग का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, चैनल को अगर तुम सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो, बिकॉज मैं यहाँ पर वन पीस के वीडियोस बनाते रहता हूँ, बहुत सारे वन पीस के वीडियोस है, तुम चेकआउट करना मत भूलना यार। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।